हेलो गाइस, आइए बात कर लेते हैं आज की कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अल्टीग्रेड 2021 का नोटिफिकेशन अब जारी होने वाला है, जिसके संबंध में एक विशेष अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से निकलकर आई है। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि 69,000 भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को कितने वर्ष तक ट्रांसफ़र के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करनी है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त होती रहे, ताकि पल-पल की अपडेट आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे। तो गाइज़, अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आइए देख लेते हैं कि क्या है वो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइज़, एक न्यूज़पेपर में ये अपडेट दी गई है कि माध्यमिक कॉलेजों में होगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। आइए इस न्यूज़ को गौर से देख लेते हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि शासन ने दिया निर्देश, UPSC कराएगा LT ग्रेड परीक्षा। इसमें कहा जा रहा है कि राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में LT ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए फिर भर्ती होगी। कुल रिक्त पदों की तादाद पिछली भर्ती से कुछ कम होगी। लिखित परीक्षा कराकर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ही कराएगा। शासन ने करीब 8,166 पदों पर शिक्षक चयन के लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया है। कहा गया है कि वे आयोग से संपर्क करके भर्ती कराएं। शासन का निर्देश है कि राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से पठन पाठन प्रभावित ना हो। विशेष सचिव कुमार राघवेंद्र सिंह ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि राजकीय कॉलेजों में सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के 6,477 पद रिक्त दिखाए गए हैं, जिसमें 5,624 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। शेष 853 पदों का अधियाचन अभी भेजा जाना शेष है। निर्देश है कि 853 पदों का अधियाचन शीघ्र भेजा जाए। सहायक अध्यापक पुरुष व महिला के 10,768 पदों का अधियाचन 2017-18 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिसमें अभी तक 3,455 पदों का पैनल आयोग से मिला है। शेष 7,313 पदों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन पदों के लिए फिर से चयन किया जाएगा या फिर पदों का अधियाचन दोबारा भेजना होगा। इसे आयोग से समन्वय बनाकर स्पष्ट करें, ताकि भर्ती कराई जा सके। शिक्षा निदेशालय प्रक्रिया तेज़ कर रहा है, नए साल में भर्ती पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही इसमें आगे भी बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ जी का पिक्चर शिक्षा मंत्री जी के साथ पेस्ट किया हुआ है, जिसमें हेडलाइन दी हुई है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक आयोग से बनाए समन्वय कराएं भर्ती। यह ऐसा योगी जी का आदेश है। साथ ही ये इसमें यह भी उल्लिखित किया गया है कि लिखित परीक्षा के जरिए होगी भर्ती। विशेष सचिव ने जारी किया आदेश। और साथ ही इसमें 6,477 पद सहायक अध्यापक पुरुष शाखा के रिक्त दिखाए गए हैं, जिनमें 5,624 का अधियाचन UPSC को भेजा जा चुका है। और इसमें इस पिक्चर के नीचे भी ये लिखा हुआ है कि लखनऊ में शनिवार को अपने सरकारी आवास पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित सहायक अध्यापकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब इसमें आगे ये चीज़ें बताई गई हैं कि 69,000 भर्ती में कैसे योगी जी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और शिक्षक भर्ती को पूरा किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 वर्ष ना मांगे ट्रांसफ़र, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नव नियुक्त शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनसे योगी जी ने अनुरोध किया है कि कम से कम 2 वर्ष तक ट्रांसफ़र ना मांगे। इसमें कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री ने मूल निवास और नियुक्ति वाले जिले की जानकारी ली, पूछा कि वहाँ रहकर पढ़ा लेंगे। सभी ने हाँ में जवाब दिया। योगी हंसते हुए बोले कि नियुक्ति पत्र लेते समय कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिर तबादले के प्रार्थना पत्र शुरू हो जाते हैं। योगी ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि 2 वर्ष तक ट्रांसफ़र की चर्चा भी ना करें। तो गाइस, ये थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन के संबंध में खास ब्रेकिंग न्यूज़, और साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों को के ट्रांसफ़र के संबंध में विशेष जानकारी। तो गाइस, ये थी आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें आपको बताया गया कि एलटी ग्रेड 2021 का नोटिफिकेशन
अब जारी होने वाला है। साथ ही आपको ये भी सूचना दी गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को 2 वर्ष तक ट्रांसफ़र के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यान्वयन नहीं करना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। गाइस, जल्द ही आपको एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन, परीक्षा तिथि और आवेदन तिथि के संबंध में भी जानकारी हमारे ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो गाइस, इसी प्रकार से बने रहें मेरे ज्ञान दर्शन चैनल पर, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हर प्रकार की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अपडेट रोज़ाना मिलती रहे, ताकि इस प्रकार की हर अपडेट आप तक समय से पहुँच जाए। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।